गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भरूच विधानसभा सीट पर मनहर भाई परमार को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मनहर भाई परमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर की थी, तो वहीं भरूच नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज कर मनहर भाई परमार ने कई बार अपने आप को साबित भी किया। इसके बाद भी मनहर भाई ने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन जल्द वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं अब वे भरूच विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के चुनावी उम्मीदवार हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गुजरात में चुनाव का माहौल किस तरह से गरमाया हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहां पर किस तरीके से आम जनता की भीड़ लगी हुई है और चुनाव का जो माहौल है वो और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं भरूच जिले में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनहर भाई परमार, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में वो अपनी चुनौतियों को किस तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि मनहर भाई परमार, इन्होंने अपना जो चुनावी लड़ाई है उन अकेले एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शुरू किया था, फिर बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है परमार साहब, मनहर भाई परमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आपने चुनाव में राजनीति में एक लंबा दौर देखा है, निर्दल के तौर पे अपने आप को साबित किया, फिर बीजेपी में आए और अभी आम आदमी पार्टी में, और अभी आपके सामने में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस की है, इस चुनौती को कैसे देखते हैं? मैं ये चुनौती को देख रहा हूँ कि कांग्रेस तो हमारे बीच में है ही नहीं, भाजपा और आम पार्टी के बीच में लड़ाई है और मैं बहुत सरसा से जीतूंगा ये चुनाव। आपका मानना है कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं? नहीं है, भरूच में नहीं है, दिल्ली में और पंजाब में पूरे किए हैं और हमें गुजरात में भी पूरा करेंगे। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो जो उद्योगपति है उसका जो देवा है 5-5, 6-6 लाख करोड़ वो हम माफ नहीं करेंगे, वो पब्लिक को देंगे और उसी तरह हम पब्लिक की सुविधा पूरी करेंगे। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कहा था कि बीजेपी ने पिछले 27 वर्षों में यहाँ पर कोई काम नहीं किया, अभी आप लोग अगर जीत के आते हैं तो आप लोग सबसे पहला 5 काम क्या करेंगे? पहले तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार सिवाय कुछ नहीं किया 27 सालों में, सब नेता अभी करोड़पति बन गए हैं। अभी आप गृह मंत्री है वो 7 के 4 के सक्रिय 2017 के 7 चौपड़ी पास है और अभी उसका जो पहले 17 में था उससे 4 गुनी आवक हो गई है, वो कैसे हो गई? ये जो अचानक से 2021 में सत्ता में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया था, इस चीज को आप किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी गुजरात सरकार में अचानक से रूपाणी मंत्रिमंडल जो बर्खास्त किया गया था, क्या उसका भी कुछ असर आप देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ, पहले तो क्या बहुत लोग भ्रष्टाचारी करते थे, अभी नहीं उससे बना है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कोई जनता को फायदा नहीं हुआ। देखो आप देखिए, गैस का भाव देखिए, तेल का भाव देखिए, केरोसिन का भाव देखिए, अनाज का भाव, पब्लिक बेचारी मर रही है और वो कोई कंट्रोल में नहीं है उसके। कुछ दिनों पहले मोरबी में एक बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा सामने आया, इसमें करीबन 140 लोगों की जान गई जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, कहीं ना कहीं इस पर राजनीति तो हो ही रही है, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? मोरबी में जो हादसा हुआ वो मानव सचित था, उन लोगों ने अपने ही लोगों को भ्रष्टाचार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसे मेंटेन बराबर किया नहीं है और लड़के से मर गए। और नरेंद्र मोदी गुजरात में होने के बावजूद भी 4 दिन के बाद पहुंचे, वो बड़ी विनम्रता है। अभी आपने कहा कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है या आप जीत के आते हैं तो इन भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे? हाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध शॉट लड़ेंगे, हमको मालूम है भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है और कौन कौन नेता करोड़पति बन गए, हमको सब पता है। तो अभी इस मंच से, चूंकि आपका ये चुनावी मंच भी है और इस चुनावी मंच में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इस मंच से आप अपनी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट दो और आम आदमी पार्टी आपको बहुत सी सुविधा देंगे, बिजली फ्री है और शिक्षण फ्री है, मेडिकल फ्री है और बेकारों को 3,000 भत्ता मिलेगा और औरतों को 1,00,000 रुपया मिलने वाला है
और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम करके दिखाएंगे। आपने अभी जो बताया कि बिजली फ्री है, औरतों को 1000 रुपये और बाकी बहुत सारी चीजें बताई, इसका कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? हाँ, हमने किया है और आप देख रहे हैं वो तो पंजाब में भी हुआ है, वहाँ 6 महीने में हो गया है और यहाँ भी लागू हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपकी जीत हो, आप चुनाव जीते और ये तो आने वाले 8 तारीख को क्लियर होगा कि कौन कैंडिडेट जीत रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि चुनावी लड़ाई में सभी दल के सभी नेता, सभी उम्मीदवार अपनी कमर को कस चुके हैं और इस रण को जीतने का प्रण ले चुके हैं।